यवतमाल मेडिकल कॉलेज के अंतिम वर्ष में शिक्षारत डॉक्टर अशोक पाल की हत्या के मामले में कॉलेज प्रशासन की तरफ से अनदेखी किए जाने का आरोप नागपुर के मेडिकल स्टूडेंट ने लगाया। यवतमाल मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हड़ताल पर चले गए। दोषियों को कड़ी कार्रवाई और डॉक्टर पाल को मुआवजा देने की मांग को लेकर मेडिकल कॉलेज मेयो अस्पताल के साथ ही अकोला मेडिकल कॉलेज के मेडिकल स्टूडेंट निवासी डॉक्टरों ने शनिवार को सुबह 8 बजे से कामबंद आंदोलन शुरू किया था। इस दौरान आवश्यक सेवाएं बहाल रही। मेडिकल मार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सजल बंसल ने कहा कि डॉक्टर पाल के मामले में कॉलेज प्रशासन की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है। इसी वजह से शनिवार से मेडिकल कॉलेज के साथ ही मेयो और अकोला मेडिकल कॉलेज के निवासी डॉक्टर मेडिकल स्टूडेंट अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़ अन्य सेवाएं नहीं देंगे। 10 तारखेला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय यवतमाळ येथे अशोक पाल या फायनल इयर MBBS विद्यार्थ्याचा निर्घृण हत्या करण्यात आली आणि कॉलेज कॅम्पसच्या आतमध्ये रात्री 8 वाजता त्या 8 वाजताच्या सुमारास त्या विद्यार्थ्याची हत्या करण्यात आली। 3 दिवसापासून यवतमाळचे निवासी डॉक्टर, तेथील विद्यार्थी, तेथील इंटर्न सगळं काम बंद करून एक साधी मागणी करत आहे की अशोक पाल याच्या मारेकऱ्यांना लवकरात लवकर अटक झाली पाहिजे। त्याचप्रमाणे अशोक पाल याचे वडील ब्रेन हॅमरेजने मरण पावले होते, त्याची आई एकटी आहे, तर अशोक पालला जो कंपेन्सेशन प्रशासनाकडून मिळाला पाहिजे तो लवकरात लवकर अनाऊन्स करावा आणि अशोक पालच्या मारेकऱ्यांना लवकरात लवकर अटक करून मागील 3 दिवसात जो तपास प्रशासनाकडून व्हायला पाहिजे होता तसा झालेला नाही, त्यामुळे नागपूरमधून मेडिकल मेयो आणि अकोला हे सुद्धा या आंदोलनात सहभागी झाले आहे आणि जर असाच रिस्पॉन्स प्रशासनाकडून राहिला तर पूर्ण महाराष्ट्रात या आंदोलनाला सुरुवात होऊ शकते, याची खबरदारी प्रशासनाने घेणे गरजेचे आहे।